21 जनवरी को जन्मे हैं अगर आप, तो आप लोग हैं एक अच्छे फ्यूचर प्लानर। विजनरी पावर बहुत अच्छी होती है, आपके माइंड में विस्तार की क्षमता है, आप लोग दूर तक बात को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और अनुमान अच्छे से लगा लेते हैं कि निकट भविष्य में कौन सी सिचुएशन बेहतर रहेगी, उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, यानी कि आप लोग दूरदृष्टा होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं, इसीलिए फ्यूचर प्लान करने में सक्षम होते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन में माहिर होते हैं, जहां पर कुछ नया करने की बात आएगी तो आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करते हैं, भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ होती है, आप लोग दिमागी तौर पर बेहद मजबूत होते हैं, डिप्लोमेटिक अंदाज होता है आपकी बातों में, सोचने का, समझने का, चलने फिरने का अंदाज अलग ही होता है, दुनिया को अपने अंदाज में देखना पसंद करते हैं, घूमने फिरने के बेहद शौकीन होते हैं, जीवन का भरपूर आनंद लेने में विश्वास रखते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर, मुश्किलों के दौर में भी हमेशा मुस्कुराते नजर आते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों हिम्मत बिल्कुल नहीं हारते हैं, आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहते हैं, जहां जाते हैं, जहां बैठते हैं, वहां की सिचुएशन को लाइवली बना देते हैं, जीवंत कर देते हैं, यानी कि बोरियत जहां पे होती है वहां का माहौल खुशनुमा बना देते हैं, आप लोगों को पेट और सांस संबंधी समस्याएं बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, आप लोगों को रूटीन वर्क में अपनी सेहत को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, आप बेहद सेहत के मामले में बेहद आलसी होते हैं, मोटे होते चले जाते हैं, लाइफ में वहीं से आपका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। 21 जनवरी को जन्मे हैं आप, तो आपका मूलांक बनता है 3, यानी कि गुरु बृहस्पति की एनर्जी, लेकिन आप लोगों में 3 के अंक की एनर्जी के साथ साथ 2 और 1 के अंक की एनर्जी भी शामिल है, 2 का अंक चंद्रमा का और 1 का अंक सूर्य का, दोनों के मिलने से गुरु की उत्पत्ति हुई है, ऐसे लोगों के पास अच्छी समझ होती है, समझदारी से हर काम को सफल करने में ये सक्षम होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ सीखने की प्रवृत्ति रहती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जीवन के हर क्षेत्र में ये इसी कारण आगे भी बढ़ते चले जाते हैं, खुद तो कामयाब होते ही हैं और इन लोगों के कारण जो लोग भी इनके साथ जुड़ते हैं उनके काम भी बनते चले जाते हैं, यानी कि ये दूसरों के लिए लकी साबित होते हैं, जबकि ये अपने लिए इतने भाग्यशाली साबित नहीं होते, इनके साथ ईश्वरीय कृपा सदैव बनी रहती है, जब भी ये किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो कोई ना कोई इनकी मदद के लिए सामने आ जाता है। 21 के अंक वाला व्यक्ति पहले सोचेगा बाद में बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का अंक पहले है, 2 का अंक पहले है, जबकि 12 नंबर वाला व्यक्ति पहले बोलेगा बाद में सोचेगा, क्योंकि वहां पर सूर्य का अंक पहले है। 21 के अंक वाले लोग अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने सद्व्यवहार से लोगों को जीतने की क्षमता रखते हैं, भले ही किसी विषय पर इनका ज्ञान कम हो, लेकिन ये अपनी बात को दूसरों के सामने इस तरह से रखते हैं कि लोग इनकी बातों पर विश्वास करते हैं, अगर ये लोग कुछ गलती करते भी हैं तो लोग इनकी बातों में आकर इन्हें माफ़ करने पर मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पहले सोचते हैं, समझते हैं और बाद में ही बोलते हैं। 21 का ये अंक धन, सुख, संपदा, परिवार, सम्मान, ज्ञान सब कुछ देता है, ये अंक जीवन के उतार चढ़ाव को भी दिखाता है, इन लोगों को कठिन परिश्रम के बाद सफलता मिलती है, इन लोगों के मस्तिष्क में नई नई योजनाएं जन्म लेती रहती हैं, अपनी प्रतिभा से ये लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं, ये नवीनता में विश्वास रखते हैं, आधुनिक फैशन और कला साहित्य का संगम ये भली भांति करना जानते हैं, इनकी बुद्धि काफी तेज चलती है, विचार इनके मौलिक होते हैं और अपने इन्हीं गुणों के कारण ये दूसरों से ज्यादा लाभ भी कमा लेते हैं। 21 का ये अंक सफलता, प्रगति, प्रतिष्ठा सबका सूचक माना जाता है, 21 का अंक लॉटरी आदि में भी सफलता दिलाने का सूचक मानते हैं। 21 जनवरी को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है मकर, यानी कि कैप्रिकॉर्न। आपकी सूर्य राशि आपकी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपके सोशल स्टेटस को दर्शाती है, आपका समाज में कैसा रुतबा रहेगा ये हम अपनी सूर्य राशि से जान सकते हैं। यहां मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को ध्यान में रखकर ही अपने कैरियर का चुनाव करें। आपकी बर्थ डेट आपकी नेचर को दिखाता है, जबकि आपके भाग्यांक ईश्वर के द्वारा दी गई आपको डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी। तो स्टूडेंट्स को मकर राशि के शनि और अपनी डेस्टिनी के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करना होगा, तभी वे अपनी मंजिल आसानी से प्राप्त कर पाएंगे।
आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से यानी कि 3 नंबर के हिसाब से अपने पैशन को तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी को नहीं। और हमारा भविष्य हमारी सूर्य राशि और हमारा भाग्यांक अंक होता है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आप उनसे फल पाओगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 21 जनवरी को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से। आपका मूलांक बनता है 3 और 3 का अंक है गुरु बृहस्पति, और जनवरी का महीना शनिदेव से प्रभावित है। गुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो वहीं दूसरी ओर शनिदेव एक क्रूर ग्रह के रूप में माने जाते हैं, लेकिन दोनों ही न्याय के पक्षधर होते हैं। जहाँ शनिदेव क्रूरता से कर्म फल प्रदान करते हैं, वहीं गुरु बृहस्पति उदारता का परिचय देते हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखलाते हैं। दोनों ही ग्रह प्रभावशाली हैं, दोनों ही मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, वृद्ध ग्रह हैं, दोनों ही ग्रह बड़े हैं। गुरु बृहस्पति और शनि का मिलन आपको एक धार्मिक सोच वाला व्यक्ति बनाता है, अच्छे कर्म करने को बाध्य करता है। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी सफल रहते हैं, एक अच्छे पथ प्रदर्शक के रूप में लोगों के सामने उभर कर आते हैं। आप लोग धैर्यशील होते हैं। शनि आपको दुख दर्द तकलीफ सहने की आदत भी डाल देता है। गुरु आपको सात्विक और सौम्य स्वभाव देता है, तो शनि आपको तामसिक और क्रूर प्रवृत्ति भी देता है। दोनों में ही विपरीत समानताएं हैं। गुरु अगर वृद्धि कारक है तो शनि दुख, उदासीनता और संघर्ष का कारक है। गुरु की दृष्टि सुख कारक है तो शनि की दृष्टि दुख कारक है। फिर भी गुरु और शनि के संबंध को शुभ फल देने वाला ही बताया गया है। शनि का गुरु के साथ संबंध होने पर शनि अपेक्षाकृत अधिक शुभ फल देने वाला बन जाता है, इसीलिए आप लोगों में भी भक्ति भावना अधिक पाई जाती है। गुरु धार्मिकता, पूजा पाठ, देव का कारक है, तो शनि वैराग्य, उदासी, एकांतवास के कारक हैं। गुरु ज्ञान है, भक्ति है, तो शनि त्याग है, वैराग्य है। लेकिन कुंडली में आपके गुरु और शनि की स्थिति के अनुसार ही आपको सभी फल प्राप्त होंगे। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 1, 2 और 9। 1 का अंक सूर्य का, 2 का अंक चंद्रमा और 9 का अंक मंगल। आपके सम हैं केतु और शनि, 7 का अंक और 8 का अंक। और वहीं आपके शत्रु अंक बनते हैं 4, 5 और 6, यानी कि 4 का अंक राहु का, 5 का अंक बुध का और 6 का अंक शुक्र का। आपके लिए शुभ तिथि होती है 3, 12, 21 और 23 तारीख। आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार और मंगलवार। शुभ रंग है पीला, केसरिया, नारंगी, गोल्डन कलर। आपको डार्क रंग से बचना चाहिए। आप लोगों की मित्रता उन लोगों से अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके अपने समय में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 फरवरी से 27 मार्च, 21 नवंबर से 27 दिसंबर और 21 दिसंबर से 27 जनवरी। इस समय के बीच में पैदा हुए लोगों के साथ आपकी दोस्ती घनिष्ठ हो सकती है। और वहीं आप विपरीत लिंगी आकर्षण में पड़ सकते हैं, जो 21 अप्रैल से 27 मई, 21 जून से 27 जुलाई या फिर 21 अगस्त से 27 सितंबर के बीच जन्मे लोगों के साथ आपके विपरीत लिंगी आकर्षण देखे जा सकते हैं। और अगर इस समय के बीच में 3, 12, 21 या 30 तारीख पड़ती है तो उनके साथ आपका प्रेम आकर्षण घनिष्ठ होगा। अगर आप इस समय के बीच में 3, 12, 21 और 30 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो वो भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा।
अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।